हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, छोटे छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने सुंदर से गांव जोला गांव से। तो मैं आ रही हूँ अभी अपने गौशाला में। तो मैं आपको आज यहाँ का व्यू बताती हूँ, नीचे से घर से लेकर और यहाँ सन्नी तक का, पूरा गौशाले तक का रास्ता और इधर उधर का व्यू बता रही हूँ आप लोगों को। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं कर रखा है। तो मैं भाभी के साथ आ रही हूँ। भाभी अभी अंदर पे गोबर साफ कर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो पूरी देखना। हम जा रहे हैं अपने घर से ऊपर सन्नी की ओर। सबका सीजन, सबको मालिक दादी कर रही पानी गरम। इका सुन लगे आया अम्मा टल्याण पर। पंचायत भवन अभी खाली खाली हो रखा है, यहाँ सफाई चल रही है जोरों शोरों से। साथ ही और यहाँ पे आज झाड़ू पोछा कर रहे हैं। वही नाश्ता पानी का। अच्छा ये सामने पे शीतला देवी का मंदिर है जहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। ये हमारे गांव के धारा डिग्गी, देख सकते हैं आप कितनी सफाई है। पे मन्नू ठीक थी? हाँ ठीक थी। अच्छा अच्छा, ये है मोनिका, मोनिका भी आ रखी है यहाँ मायके में। ये देख सकते हैं आप डिग्गी गेर वो तो भी नहीं। यहाँ पे चाचा जी और दादाजी आ रहे हैं। हाँ ये जाग क्षेत्रपाल का पुराना मंदिर है, आप देख सकते हैं ये गेट बना हुआ है यहाँ पे। तो नया मंदिर भी मैं आपको बताती हूँ, देख सकते हैं यहाँ से जाग क्षेत्रपाल देवता। वीडियो देखने वालों की भी रक्षा करना, सब्सक्राइबरों की भी रक्षा करना, सब पे नज़र लगाना। ये तोणी का पेड़ है यहाँ पे, पहले यहाँ पे बहुत बड़ा बांज का पेड़ था, हवा से टूट गया वो। यहाँ देख सकते हैं कितने सारे खड़ी के पेड़ हैं। और मैं जा रही हूँ अभी गौशाला में, आगे पे भाभी जी हैं, रानी का घर है ये, चाचा जी का घर है, डीजी हैं। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बुढ़ी है दादा। मैं पढ़ा मैं यहाँ पर औख लगनी की। ये दादी औरों का घर है, दादी जो बगड़वाल में गाना लगा रही है। ये दादाजी औरों का डॉगी है, इसका नाम बल पिंकी रखा है। काटोल तो नहीं डर भी लगनी। ये छोटी नोजी आई नोजी, चाचा जी हैं यहाँ पे, इनका चप्पल ना। हाँ तुम भी ठीक हो? मैं परस, इनका एक डॉगी भी है यहाँ पे। रा ये नो कैच, ये तेनो पिंकी से, ये नो कैच कालू, ये कालू है वो काटल में। मैं ये दिख रहा, इसकी मम्मी भी साथ में है। नाम बता बे, बताओ ना, बताओ आप। रचिता, ये रचिता झिंकवाण है यहाँ पे।
इनके हैं ये डॉगी भी, ये छोटा डॉगी भी, ये बड़ा भी। देख सकते हैं 3 दिन से वीडियो अपलोड पे लगा रखे हैं लेकिन नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है मेरे फ़ोन में। तो देख सकते हैं दूसरे फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ की। ये देखो तिमले का पेड़ है, तिमलू काट रखा है इन्होंने। यहाँ पे दादी ने संतरे भी दे रखे हैं, नारंगी। ये सिराणु है, रस्सी भी बोलते हैं, जीवड़ा भी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको। हैं ये सांप की प्रजाति, गिरोह बोलते हैं इसको। अरे ये छुप गया यहाँ, नारंगी देखो अब। ये यहाँ हमारे खेत हैं सारे, चाची औरों के, हमारे मतलब चारों परिवार के। ये देख सकते हैं यहाँ से हम पानी ले जाते हैं भैंस के लिए। ये माँ और का भैंस है, आप देखो ये कैसे कर रहा है। अब मैं जाऊंगी तो मुझे मारने आएगा ये। इसको अभी रोटी खिलाई जा रही है लोहे की कढ़ाई में, इसको अभी आयरन की कमी नहीं होगी। ये देखो मुझे देख के कैसे कर रहा है, यहाँ आ रहा है इधर, कमी हो रही है आयरन की कमी। इस पे अभी आयरन की कमी है, दिख रहा है इनको। हाँ इतना मोटा हो रखा है, ये आयरन की कमी है। ये छंजरी के पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे। ये हमारी गौशाला है, यहाँ पे गौशाला मतलब साल है हमारी। ये पानी के लिए व्यवस्था कर रखी है, कनस्तर कनस्तर डब्बे डुब्बे। कितने सारे छंजरी के पेड़ हैं यहाँ पे। ये भैंस को खिलाते हैं जिससे भैंस दूध देती है। हाँ जब भैंस को पिजाते हैं ना, इसको डाल देते हैं तब भैंस फटाफट दूध देती है। लेकिन हमारे गांव में, मेरे ससुराल में ऐसे नहीं होता है, थोरड़ा को पिजाते हैं पहले तब देती है वो दूध, नहीं तो नहीं देती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ थोरड़ा को नहीं पिलाते हैं, अलग रहता है थोरड़ा। थोरड़ा मतलब थुएड़ी। यहाँ भी देख सकते हैं कितना सुंदर सा चौक बना रखा है। ये देखो उधर पता नहीं किसके गाय हैं, वो इधर हमारे हैं। यहाँ अंदर का नज़ारा बताती हूँ, गौशाला के अंदर का नज़ारा। तो यहाँ है मॉल गोबर गैस, तो भाभी खून रहे हैं मॉल को, पत्ते डाल रखे हैं गायों के लिए, बिल्कुल रजाए गद्दे बना रखे हैं इनके। ज़्यादा भी नहीं है ना, ये कम पथेले लाते हैं ना, यहाँ पत्ते कम लाते हैं ना। ये देखो यहाँ पे थुपड़ा लगा रखा है पत्तों का। ये मयू है, इसको साटी में लगाते हैं, जब साटी बोए रहते हैं छोटे छोटे होते हैं तो उनके उन में लगा खेतों में लगाते हैं इसको। ये ज्वाल है, ये कंडा है यहाँ पे, और क्या क्या है यहाँ पे। एक मेरी बहुत पुरानी स्वेटर भी टंकी हुई है यहाँ पे, ये देख। ये क्या, ये तक पत्ता कुलू, ये टकू है, जैसे नो लगाते हैं, नो लगाते हैं इसको ऐसे करके, तो ऐसे ले जाते हैं पेड़ पे ऊपर रस्सी से खींच के। ये टकुलू है, कूटी मत समझना इसको, ये टकुलू है। ये देखो गोबर उठाने के लिए ये टोकरी है, ये देख सकते हैं छोटी टोकरी। और पथेलों के लिए उस फल्टे को ले जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल वो बना रखा है, मूसक बाजा बना रखा है वो सजा सजा के। ये कंडू है यहाँ पे, ये टूट रखा है। यहाँ पे पहले रड़ीघुस थी, इसमें हम रड़ीघुस खेलते थे, देख सकते हैं। ये दोनों सहेली भी आ रही है यहाँ पे। तो हम आ रखे हैं सन्नी में, यहाँ देखो एक तिमले का पेड़ काट दिया मैंने भैंस के लिए, अपने थेड़ा के लिए। भाभी यहाँ पे टीप रहे हैं, म्योट भी रहे हैं, पुआ बना के, ये भैंस के लिए है।
भाभी लगा रहे हैं यहाँ पे भारी। अब जाएंगे हम घर के लिए, प्रस्थान हो रहे हैं। मैं चोरी करना है मेरी के पता। मैं ये देख सकते हैं पीछे से भारी, अभी तो थोड़ा ही ले जा रहे हैं पर भारा तो बहुत बड़ा होता है। अभी ये घर के लिए आधा यहीं छोड़ दिया। भैंस भी इनको बोल रही है माँ बल चल पड़े बल तुम घर बल, तो हम जा रहे हैं यहाँ से। ये सरस्वती चाची का भारा हमेशा जिंदगी भर तिरछा का तिरछा ही रहता है। सरस्वती चाची का भारा हमेशा तिरछा ही तिरछा रहता है। ये चाची भी, ये नई नई चाची हैं, यहाँ पे घास काट रहे हैं। ये चाची हैं सरस्वती चाची, मेरी घास फूस की दगड़िया हैं, जंगल में साथ ही साथ जाते थे। चला आपड़ा बढ़ो। ये लिंगड़े के पौधे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये होते हैं, इनके जड़ पे होते हैं लिंगड़े। अभी तो है नहीं, अब होंगे बरसात में, आजकल नहीं होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लिंगड़े होते हैं। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो का आनंद लें, इस वीडियो को देख लें। बाय बाय फ्रेंड्स।